दिन छिप जाई बे जाऊं कड़े वैसे काली रात अंधेरी में बाबा जी रात आज की नका टू कुटी अंधेरी दिल छिप जाई बे बाबा जी रात आज की नका टू कुटी अंधेरी कहने लगा हे बच्ची ये कोई धर्मशाला सराय वगैरह नहीं है जो मैं तुमको यहाँ रोक लूं और नंबर एक मैं कैसे बताने लगा बोला नहीं सराय नहीं धर्मशाला वो ये स्थान फकीरों का साधु संत एकांत में राजी साधन करे शरीर हो नहीं सराय नहीं धर्मशाला वो ये स्थान फकीरों का वो साधु संत एकांत में राजी साधन करे शरीर तेरे काम नहीं अड़े पीरो का काम नहीं अड़े पीरो का इतने लंबे डेर तेरी मैं बाबा इतनी सुन के वो बाबा उस बच्ची को वो रात कुटिया में काटने के लिए कह देता है और कहता है ये बच्चा मैं तो यहाँ बाहर तपस्या करूंगा और तू अपने भीतर बढ़ के हाँ जी 200 रुपए हमारे उस्ताद धर्मेंद्र प्रधान जी इस रागनी पर खुश होकर देते हैं हम उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और 100 रुपए हमारे उस्ताद महेंद्र जी देते हैं हम उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं
वो सुबह उठ के चली जाइए सोचा साकड़ गड़े कंटी मारा बार गाड़ दे वो पेट कुटी में बने का सुबह उठ के चली जाइए वो कदे उठ के कदे उठ के डाले भंग डाले भक्ति मेरी मैं बाबा जी यारा दुखी लगा टूटिया मेरी काली रात अंधेरी मैं बाबा जी यारा दुखी लगा टूटिया रात का समय हुआ करीब 12 बजे तो उस बाबा का मन फिर गया कि बताया कि बाबा की नींद में भी कुछ खोट लगा और कैसे नंबर 3 में बता दिया जब उस बाबा जी का मन फिर गया और खोले नहीं किवाड़ सती ने वो अपनी आड़ी सब कर गया जब उस बाबा जी का मन फिर गया बोले खोले नहीं किवाड़ सती ने वो अपनी आड़ी सब कर गया फिर छांद पाड़ के वो भीतर बढ़ गया छांद पाड़ के वो भीतर बढ़ गया वो सागर मंडेरी और 100 रुपए हमारे उस्ताद जी देते हैं उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अंतिम कली में क्या हुआ कायदा और जब वो ऋषि छांद पाड़ के भी अंदर चला गया और जब दीवा चास के देखने लगा तो क्या होता है वो बाबा व्यास मुनि वो चंदी माला हाथ में ले रहा वो डंडी वाला व्यास मुनि ओ कह कल्लू राम शाबाश मुनि कह कल्लू राम शाबाश मुनि कसर नायरा तेरी मैं बाबा जी अनुराग राजी कटू कुटिया तेरी मैं दिल की